दुर्ग शहर के वार्ड 42 में हो रहे उपचुनाव में मतदान के दिन दिखा उत्साह। राजनीतिक पार्टी के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने दिखाया अपना दम, अपने पक्ष में मतदान करने मतदाताओं को रिझाते नजर आए। वहीं मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में घूम रहे विधायक पर अपनी आपत्ति जताने पर विधायक ने गाना गाकर दिया अपना जवाब। दुर्ग शहर में मंगलवार को पार्षद पद के लिए उपचुनाव सम्पन्न कराया गया। मतदान के दिन राजनीतिक सरगर्मी साफ नजर आई। राजनीतिक पार्टी हो या निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं को रिझाने मतदान केंद्र तक वोट करने अपील करते नजर आए और वहीं एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर अपना पक्ष आम जनता के बीच मजबूती से दर्शाते भी नजर आए। गौरतलब है कि वार्ड 42 में पार्षद पद के लिए मतदान आज किए गए, जिसमें लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ ही वार्ड के प्राथमिक स्कूल साईं मंदिर के सामने बने मतदान केंद्र में सुबह से ही पहुंचकर अपने मतों का उपयोग किया। जिस तरह चुनाव में मतदान के दिन सभी दलों के प्रत्याशियों को बल देने पहुंचे वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वार्ड की जनता को अपने पक्ष में मतदान करने अपील की, तो वहीं एक दूसरे पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर जनता का ध्यान आकर्षित कराया। इसी बीच दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा द्वारा मतदान केंद्र से गुजरते वक्त दूसरे दल के कार्यकर्ताओं ने 100 मीटर दायरे का हवाला देकर आपत्ति जताई, तो दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने उन्हें फिल्मी गीत गाकर चुटकियों में कहा कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। नहीं, आप बोलेगा वो 100 मीटर कहाँ है, बोलना भाई जी। मैं तो रस्ते से जा रहा हूँ, रस्ते से जा रहा था और खा रहा था, मैं उसका खा रहा था। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। मैं तो रस्ते से जा रहा हूँ, रस्ते से जा रहा था और खा रहा था, मैं उसका खा रहा था। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। मैं तो रस्ते से जा रहा हूँ, रस्ते से जा रहा था और खा रहा था, मैं उसका खा रहा था। तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। वहीं इस मतदान को लेकर के वार्ड की जनता ने जहां पर रुझान दिखाया वहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। मुझे लगता है कि हम वोट के काबिल हैं तो हमें वोट देना चाहिए और मेरे हिसाब से सभी वोटर को वोट देना चाहिए। इन लोग जो वादे करते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो वादे पे उन लोग खरा उतरे, वो अपने वादे निभाए। और जब हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम उनको फ़ोन किए या उनसे हम कैसे भी करके कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल हमको अवेलेबल हो। हम यही चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। सुविधा उपलब्ध होने चाहिए पब्लिक को, जितना भी है पार्षद के हिसाब से जो मिलता है उनको देना चाहिए और प्रतिनिधि को मोहल्ले में प्रतिक्रिया प्रकार बराबर करना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए उनको, एक जगह ऑफिस खोल के बैठने से नहीं होता। बहरहाल किसके सर जीत का सहरा चढ़ेगा ये तो समय रहते ही पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।